गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 1 फ्रॉम 9th क्लास, ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय। द लेसन ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय इज इन फैक्ट अ लेटर रिटन बाय अब्राहम लिंकन। डू यू नो हु वॉज अब्राहम लिंकन? गैस, यस यस, he was the president of USA in 1861. So his son was studying at a school. He wrote this letter to his son's teacher. He asked his teacher to inculcate some qualities in his son so that he may become a good human being. Let us see what are those qualities that are mentioned in this lesson. The letter: he will have to learn. I know that all men are not just, all men are not true. तो इब्राहिम लिंकन जो हैं वो अपने सन के टीचर से यह डिमांड कर रहे हैं कि हो सके तो वो उनके बेटे को सिखाए कि मैं जानता हूँ कि सारी दुनिया के जो आदमी है वो ना तो फेयर है ना ही ऑनेस्ट है। बट टीच हिम आल्सो दैट फॉर एवरी स्कॉन्ड्रल, स्कॉन्ड्रल मीन्स अ विक्ट पर्सन, एक बुरा आदमी, देयर इज अ हीरो। तो हो सके तो मेरे बच्चे को यह सिखाओ कि दुनिया के हर बुरे आदमी के लिए कोई ना कोई अच्छा आदमी ज़रूर है। That for every selfish politician there is a dedicated leader. अगर दुनिया में selfish means मतलबी leaders हैं, मतलबी राजनेता हैं, तो वहाँ पर dedicated ऐसे leaders भी हैं जो poor and needy लोगों की service करना चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं। Teach him that for every enemy there is a फ्रेंड। अगर दुनिया में तुम्हारे दुश्मन हैं तो दुनिया में तुम्हारे बहुत सारे दोस्त भी हैं। इट विल टेक टाइम, आई नो, बट टीच हिम इफ़ यू कैन। मुझे पता है कि इस यह सब सिखाने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मेरे बच्चे को आप पढ़ा पाएँ, अगर आप मेरे बच्चे को सिखा पाएँ, अगर आप कर सकते हो, दैट अ डॉलर अर्नड, अर्नड मीन्स कमाना, इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 pounds। अगर आप कर सकते हो तो मेरे बच्चे को मेहनत की वैल्यू सिखाएं। मेरा बच्चा डेस्टिनी या किस्मत के ऊपर विश्वास ना करे, उसके दिमाग में आप यह विचार डालिए कि बिना मेहनत के हासिल किया हुआ एक जो डॉलर है, बिना मेहनत के हासिल किए हुए जो $5 हैं उनकी कीमत मेहनत से कमाए हुए $1 से भी कम है। टीच हिम टू लर्न टू लॉस एंड आल्सो टू एंजॉय विनिंग। हो सके तो मेरे बच्चे को हार का मतलब सिखाइए, हार के समय उसे काम या शांत रहना सिखाइए, और जीत के समय उसे अपनी जीत को एंजॉय करना, उसकी खुशी में नाना भी सिखाइए। अगर वही व्यक्ति जीत के महत्व को जान सकता है जिसे जिसने हार का स्वाद चखा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ इज स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी। स्टीयर मीन्स कीप अवे, एनवी मीन्स जेलस। हो सके तो मेरे बच्चे को जेलस से दूर रहना सिखाओ। इफ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। अगर आप मेरे बच्चे को सिखा सको तो उसे चुपचाप मुस्कुराने के बारे में भी सिखाओ कि हो सक उसे दूसरों से जलन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बाय चांस उससे आगे निकल जाता है तो मेरे बेटे को ऐसे लोगों से जलन नहीं करनी चाहिए, जेलस नहीं करनी चाहिए। और अगर लोग उस पर ताने कसते हैं उसे किसी बात को लेकर, तो इस टाइम पर मेरे बच्चे को जो है शांत रहना सिखाइए और मुस्कुराना सिखाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ इज लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द ईजिएस्ट टू लिक। बुलीज मीन्स ऐसे लोग जो दूसरों को डराना चाहते हैं, लिक मीन्स किसी को हराना, डिफीट करना।
तो आगे जो है लिंकन अपने बेटे के टीचर से यह डिमांड करते हैं कि वह उसके बेटे को यह सिखाए कि ऐसे लोग जो दूसरों को बुली करने का, उन्हें डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को धूल चटाना या उन्हें हराना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। टू लिक मीन्स धूल चटाना। टीच हिम इफ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स, अगर हो सके तो आप मेरे बच्चे को किताबों की अद्भुत दुनिया के बारे में बताएं कि बुक्स हमें विजडम देते हैं, हमें थिंकिंग देते हैं, बट आल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स डीप थिंकिंग। द एटर्नल मिस्ट्री, एटर्नल मीन्स ऐसी चीज जो कभी खत्म ना हो, मिस्ट्री हो गया, सीक्रेट ऑफ वर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन। सन मीन्स यहाँ पर सन का मीनिंग सूर्य नहीं है, सन का मीनिंग है धूप। एंड फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन हिल साइड, हिल साइड मीन स्लोप ऑफ अ हिल। अगर हो सके तो आप मेरे बच्चे को किताबी नॉलेज देने के साथ साथ, बुकिश नॉलेज देने के साथ साथ, नेचर को प्यार करना, नेचर को एंजॉय करना भी सिखाइए। वह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का कभी ना खत्म होने वाले राज के बारे में सोचे, धूप में बिन बनाती हुई मक्खियों को देखे, उनके बारे में सोचे, और हिल साइड के ऊपर जो फ्लावर्स, रंग बिरंगे फ्लावर्स लगे होते हैं ग्रीन हिल साइड के ऊपर, वो उसकी उनकी ब्यूटी को एंजॉय करना सीखे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, इन स्कूल टीच हिम इट इज फॉर मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। स्कूल में उसे यह बात जरूर समझाइए या सिखाइए कि नकल करने से ज़्यादा अच्छा है कि फेल हो जाए। अगर हम नकल करके पास होते हैं तो वो हमारे लिए अपमानजनक बात होगी, लेकिन अगर ईमानदारी से हम फेल भी हो जाएं, ऑनेस्टली हम अगर फेल भी हो जाएं, तो यह हमारे लिए एक ऑनर या सम्मान की बात होगी। क्योंकि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में हर कोई किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, कामयाब होना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बेटा जो है वो धोखे से आगे ना बढ़े। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। तो नेक्स्ट वो अपने बेटे के टीचर से डिमांड करते हैं कि हो सकता है कि इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि कुछ लोग हमसे एग्री करते हैं और कुछ लोग हमसे डिसएग्री करते हैं, कोई हमें सही समझता है, कोई हमें गलत समझता है। तो ऐसे टाइम पर आप मेरे बेटे को यह विश्वास रखना सिखाइए कि उसे अपने विचारों के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, उसे यह यकीन होना चाहिए जो वह कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल, जेंटल मीन सॉफ्ट, एंड टफ विद द टफ। तो आप मेरे बच्चे को अच्छे, जेंटल मीन्स गुड वन, गुड वन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ सॉफ्ट रहना सिखाइए, और टफ मीन्स बैड वंस, बैड जो लोग हैं उनके साथ स्ट्रिक्ट टफ रहना सिखाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड एंड वेन एवरी वन इज गेटिंग ऑन द बैंड बैगन। बैंड बैगन का मीन्स है भेड़ चाल, कि मेरे बच्चे को आप इतनी स्ट्रेंथ दीजिए, उसमें इतनी स्ट्रेंथ पैदा करिए कि वो कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने। जब हर कोई जो है भेड़ चाल में रहकर एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहा हो, उसमें शीप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, उसे यह बात सिखाइए कि उसे सभी लोगों की बातों को बड़े सॉफ्टली, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर दैट ऑल दैट ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रुथ। लेकिन साथ में उसे यह भी सिखाइए जो भी वह सुनता है उसे सच की स्क्रीन के ऊपर, सच की कसौटी के ऊपर फिल्टर करे, छान ले, एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू। और उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें निकल कर, अच्छी बातें निकल कर सामने आए, उन्हें अपने पास रख ले, जो बैड वंस हैं उन्हें वहीं छोड़ दे। नेक्स्ट पैरा इज,
टीच हिम इफ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड। तो मेरे बेटे को आप यह बात भी सिखाइए कि दुख में भी मुस्कुराना सिखाइए, कि अगर आज हमारा टाइम जो है बुरा चल रहा है तो टाइम कल बदलेगा, अगर अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, इसलिए आप मेरे बच्चे को दुख में भी मुस्कुराना सिखाइए। टीच हिम देयर इज नो शेम इन टीयर्स। अगर मेरे बेटे का कभी मन भारा हो तो उसे रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने में किसी तरह की कोई भी शर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिंकन यह चाहता है कि उसके बेटे में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने हर तरह के इमोशन को एक्सप्रेस करे, उसका हर इमोशन जो है सामने आना चाहिए अंदर। टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक्स। आप मेरे बच्चों को साइनिक्स मीन्स ऐसे लोग जो दूसरों का बुरा चाहते हो, स्कॉफ मीन्स मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, तो ऐसे लोग जो दूसरों का बुरा चाहते हो मेरे बेटे को आप सिखाइए कि वह ऐसे लोगों से दूर रहे, उनका मजाक उड़ाए। एंड टू बी वेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। टू मच स्वीटनेस मीन्स ऐसे लोग जो साइकोफेंट्स हों, जो चापलूस हों। तो लिंकन चाहता है कि उसका बेटा जो है वो चापलूस लोगों से पूरी तरह से बीवेयर रहे, सावधान रहे। टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर्स। ब्रॉन मीन्स पावर, ब्रेन मीन्स इंटेलिजेंस, बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। तो आगे वो कहता है टीचर को कि मेरे बेटे को आप यह बात सिखाइए कि उसे अपनी शक्ति का, अपने दिमाग का उपयोग करके ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहिए, लेकिन हमेशा उसका जो दिल है और उसकी जो आत्मा है वो गरीब और नीडी लोगों के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। नेक्स्ट पैरा इज टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ फॉलिंग मॉब। फॉलिंग मॉब का मीन्स है ऐसे लोग जो रॉन्ग हो, रॉन्ग पीपल। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। तो आप मेरे बच्चों को जो बुरे लोग बातें बनाते हैं, ऐसे लोगों की बातें सुनने से मरा करें, ऐसे लोग जब बोले तो मेरा बेटा अपने कानों के ऊपर हाथ रख ले, यानी कि उनकी बातों की तरफ कोई भी ध्यान ना दे, बुरे लोगों की तरफ कोई भी हीड ना दे, ध्यान ना दे। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। और हमेशा उसे राइट लोगों के लिए लड़ना चाहिए, उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए अगर उसे लगता है, अगर वह सोचता है कि वह अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ इज ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम। कृपा करके आप मेरे बच्चे के साथ बिल्कुल सॉफ्टली बिहेव करें, लेकिन उससे ज़्यादा कडल मीन्स लाड प्यार करना, उसे ज़्यादा लाड प्यार ना करें। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। क्योंकि सिर्फ तपती आग में ही रहकर कोई लोहा जो है अच्छी स्टील, अच्छा इस्पात बन पाता है। तो यहाँ पर जो लिंकन है वो टीचर को यह भी कह रहा है कि अगर उसका बच्चा कोई रॉन्ग डीड्स करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसे उसके बेटे के प्रति स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ इज लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। तो मेरे बेटे को जो है आप इम्पेशेंस से दूर रहना सिखाइए, उसे करेज, उसमें करेज होनी चाहिए। करेज का मीनिंग है बहादुरी। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, उसमें धीरज होना चाहिए ताकि वो ब्रेव, बोल्ड, निडर बन सके। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ। और उसे सिखाइए कि उसे हमेशा अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। फेथ मीन्स बिलीव, विश्वास, ट्रस्ट। सब लाइफ मीन्स ऐसा विश्वास जो टूटे ना और बिल्कुल डीप हो, डीप एंड अनशेकेबल। बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सब लाइफ फेथ इन मैनकाइंड। अगर मेरा बेटा जो है अपने आप में, खुद में अडोल विश्वास रखता है, तभी वो पूरी इंसानियत, पूरी मानवता, पूरी दुनिया में विश्वास कर पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज
दिस इज़ अ बिग ऑर्डर बट सी वट यू कैन डू। तो आगे वो टीचर से कहते हैं कि मैं आपसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूँ, लेकिन आप देखें कि आप इस मामले में क्या कर सकते हैं। ही इज़ सच अ फाइन लिटल फेलो माई सन। मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, वो एक प्यारा बच्चा है। आप कृपा करके उसमें यह सारी करेक्टरिस्टिक्स, यह सारे जो क्वालिटीज़ है वो इनकलकेट, वो डालने की कोशिश करें, ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के सामने आए और लोगों की सर्विंग करे, लोगों के भले के लिए हमेशा काम कर पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने लेसन को एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नाउ इट इज़ टाइम फॉर होम असाइनमेंट। हेयर आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड आउट दीज क्वेश्चन, फाइंड देम एंड राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। टिल देन गुड बाय।